हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पाचन व अवशोषण चैप्टर के कुछ ज़रूरी क्वेश्चन करेंगे जो कि नीट प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ये वीडियो स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हैं, सो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए और अपने आंसर करेक्ट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोजन के सुरक्षित अवयव हैं। फर्स्ट ऑप्शन खनिज, विटामिन व जल। सेकेंड खनिज कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन। थर्ड खनिज कार्बोहाइड्रेट व वसा, विटामिन, जल व कार्बोहाइड्रेट। भोजन के सुरक्षित अवयव बताने हैं हमने, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा, खनिज, विटामिन तथा जल। मुख गुहा का कार्य है, मुख गुहा का कार्य क्या होता है? मुख गुहा का कार्य देखिए, भोजन को चबाना, निगरण को सरल बनाना, ग्लूकागोन के श्रावण में सहायक होती हैं। तो मुख गुहा में ऊपर के दोनों कार्य होते हैं, भोजन को चबाना भी होता है और निगरण में सरल बनाना, भोजन को लार मिला के उसमें अच्छे से फिर उसको निगलने में भी सहायता मिलती है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा, ए फर्स्ट और सेकेंड दोनों। नेक्स्ट, ग्रास नली से मलाशय तक आहार नाल की भित्ति में परतें पाई जाती हैं। ग्रास नली से मलाशय तक आहार नाल की भित्ति में चार परतें पाई जाती हैं। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा, उनमें अलग अलग रूपांतरण होते हैं, लेकिन अगर पूरे ग्रास नली से मलाशय तक पूछा गया है आहार नाल की भित्ति में परतें, वो चार होती हैं। इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, सह यकृत अग्नाशय वाहिना किससे घिरी होती हैं? फर्स्ट लीवर कोहन की दरारें, आकशीर वाहिना, पाइलोरिक संकुचक, ओडिका संकुचक। इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा, ओडिका संकुचक। नेक्स्ट, मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय या फेफड़े। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हमारा यकृत हो जाएगा, मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जब कभी अंतःस्रावी करके क्वेश्चन होगा तो आंसर हमारा अलग होगा। यहाँ पे पूछा गया है मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, जठर ग्रंथियों से स्रावित होने वाला कौन सा एंजाइम HCl से सक्रिय होता है? तो कौन सा एंजाइम जठर ग्रंथियों से स्रावित होने वाला कौन सा एंजाइम HCl से सक्रिय होता है? ट्रिप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, रेनिन तथा क्राइमोट्रिप्सिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन सक्रिय होकर पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, आमाशय में HCl श्रावित करने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? तो ऑक्सेंटिक कोशिकाएं, पैप्टिक कोशिकाएं, प्रधान कोशिकाएं, श्लैष्मिक ग्रीवा कोशिकाएं। इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा फर्स्ट होगा, ऑक्सेंटिक कोशिकाएं आमाशय में HCl श्रावित करने वाली कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट, वह जीवाणु रोधी एंजाइम जो लार में उपस्थित होता है और संक्रमण को रोकता है, फर्स्ट माल्टोज, लार एमाइलेज, लाइसोजाइम या पेप्सिनोजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा लाइसोजाइम हो जाएगा, जो किसके संक्रमण को रोकता है? बैक्टीरियल संक्रमण को रोकता है। वह जीवाणु रोधी एंजाइम जो लार में उपस्थित होता है और संक्रमण को रोकता है, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा, लाइसोजाइम। नेक्स्ट, आहार नाल के अंदर जीवाणुओं के द्वारा कौन से विटामिन का संश्लेषण हो सकता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन V1 या विटामिन सी। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारा थर्ड होगा, विटामिन V1। नेक्स्ट, यदि सामान्य मानव चिंताग्रस्त है और वह मसालेदार भोजन लेता है, वह ग्रस्त हो जाएगा अतिसार से, वमन से, अपाचन से या फिर पीलिया से। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा अपाचन होगा। यदि सामान्य मानव चिंताग्रस्त है तो वह मसालेदार भोजन लेता है, जब वो चिंताग्रस्त हो और फिर मसालेदार भोजन भी ले तो वह ग्रस्त हो जाएगा अपाचन से। इसके लिए थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन से अंग में अपक्रिया होने से किसी व्यक्ति का मल सफेद धूसर रंग का हो जाता है? पहला है अग्नाशय, प्लीहा, वृक्क या फिर यकृत। तो इसके लिए हमारे सामने करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ, यकृत। नेक्स्ट, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वासियोरकर, रतौंधी, एक्जिमा, यकृत, गलन। तो इससे विटामिन प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? क्वासियोरकर। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, कब्ज को किस प्रकार रोका जा सकता है? फर्स्ट, रुक्षांश अधिक लेकर, मैग्नीशियम लवण से प्रचुर शोधक लेकर, आसुत जल लेकर, या फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो हमारा फोर्थ हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों, रुक्षांश अधिक लेकर, मैग्नीशियम लवण से प्रचुर शोधक लेकर। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, पीलिया किसका विकार है? उत्सर्जी तंत्र का, त्वचा व नेत्र का, पाचन तंत्र का, परिसरण तंत्र का। तो पीलिया किसका विकार है? पीलिया पाचन तंत्र का विकार है। और ये किसकी किससे होता है, कौन से अंग से होता है? ये हमारे यकृत से होता है। इसमें स्किन कलर, आइस कलर सब येलो कलर के हो जाते हैं, पीले रंग के हो जाते हैं। तो ये पीलिया किसका विकार होता है? पीलिया पाचन तंत्र का विकार होता है। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, एंटेरोकाइनेज एंजाइम किसके परिवर्तन में सहायक है? तो एंटेरोकाइनेज एंजाइम किसके परिवर्तन में सहायक है? पहला, पैरोकैसिन को कैसीन में, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा वो सेकंड होगा, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट, ब्रूनर की ग्रंथि किसमें उपस्थित होती है? तो ब्रूनर की ग्रंथि किसमें उपस्थित होती है? आमाशय में, ग्रास नली में, शेषांत्र में या फिर ग्रहणी में। तो ब्रूनर की ग्रंथि ग्रहणी में उपस्थित होती है। इसके लिए हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। यदि यकृत को विलोपित कर दिया जाए, आंत की श्लेष्मिका से किसका अवशोषण नहीं होगा? पहला प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा वसा, चौथा लैक्टोज। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा थर्ड, वसा। नेक्स्ट, रेनिन के कार्य स्थल व क्रियाविधि के संदर्भ में सही जोड़ी है। तो रेनिन के कार्य स्थल, रेनिन क्या है? एक एंजाइम की बात हो रही है यहाँ पे, और रेनिन हार्मोन अलग होता है, यहाँ एंजाइम की बात हो रही है। मुख, मंड, छोटी आंत, प्रोटीन, आमाशय, कैसीन, आमाशय, वसा। तो ये क्या है? आमाशय में, बच्चों के आमाशय में होता है, और ये प्रोटीन कैसीन को अब्जॉर्ब डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जो कि दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।